सो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने देख रहे होंगे कि राहुल कहाँ आया हुआ है, कहाँ से वीडियो बना रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ की कुछ नज़ारे दिखाता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ कहाँ पे। तो देखिए, ये लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो तो बाकी मैं भी कुछ इस जगह का नाम बता देता हूँ। बहुत बढ़िया जगह है, इस जगह पर हमने ब्लॉग बना रखा है और इस जगह का क्या नाम है, मायावती पार्क। हाँ, जो कि नोएडा सेक्टर 16 से आपको रिक्शा लेकर के आना पड़ेगा जी, ठीक है, या फिर बोटेनिकल गार्डन। अच्छा से है, मतलब बहुत बड़ा है, पार्क है, शांति है, इसीलिए तो रील्स यहाँ शूट करते हैं। हाँ जी, और पार्क बढ़िया है तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, बिकॉज अगर जो ज़्यादा हो हल्ला होता है तो फिर मैं घर में ही शूट करता हूँ, ठीक है। सो एक भाई ने कमेंट किया है कि ब्रदर ये बात ऐसा है कि अगर जो हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट से मैरिज करते हैं, ठीक है, और लड़की की एज तो नहीं बताया बट लड़का का बताया कि अगर जो 20 हो तो क्या ये मैरिज पक्की होती है क्या, और ये वैलिड है या नहीं, ठीक है। सो इस बात को मैं कवर करूँगा। तो पहले आप समझिए, मैं भी एक टाइम था, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट से मैरिज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इसी मुद्दे पे अभी हम बात करते हैं। हम भी जब भागने वाले थे, तो जब मेरा एज नहीं हुआ था ना, तब हम भी सोचे थे कि यहीं से हो जाए मैरिज तो क्या दिक्कत है। तो इसी बात को कवर करते हैं जी। सबसे पहले देखिए, आप जान लीजिए, आप लड़का रहे या लड़की रहे, आप लोगों का एज जो है, लड़का का एज 21 होना ज़रूरी है। आप 21 से ऊपर रहिए, 22 रहिए, 25 रहिए, 30 रहिए, जो भी रहिए, वो सब बात की बात है, बट कम से कम आपका 21 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। और अगर जो लड़की हो तो 18 प्लस चाहिए, चाहे 19 हो, 20 हो, कुछ भी हो, या फिर लड़की लड़का से बड़ी ही क्यों ना हो, बट कम से कम 18 प्लस होना चाहिए लड़की का भी, लड़का का 21 प्लस, बाकी कोई मैटर नहीं, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि अगर जो भाई मेरी एज 20 ही है तो मैरिज होगी क्या? तो भाई बिल्कुल ऐसे भी हो जाएगी मैरिज, अगर जो आपकी एज 20 है, लड़की 18 प्लस है, फिर भी मैरिज हो जाएगी, और वो मैरिज लेकिन वैलिड नहीं रहेगी मेरे भाई, क्योंकि जब कानूनी रूप से आपको एज बता दिया गया है कि लड़की का एज 18 चाहिए और लड़का का एज 21 चाहिए, अगर जो नहीं है तो वैलिड कैसी है? दूसरी बात मेरे भाई, वहाँ जो आपको नोटरी पेपर पर वो करा देगा, क्योंकि अगर जो आप फोर्स करोगे करा दीजिए सर इतना ही एज है, तो लॉयर को लालच लगेगा, चलो ये बेवकूफ़ है, इसको उल्लू बनाना, नॉर्मल सी बात है, तो वो अपना पैसे की लालच में आकर के आपका वो मैरिज करा देगा, और वो होगा नोटरी पेपर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ ही रहता है, बहुत सारा पेजेस का दे रहता है, लगभग 10-12 को पेज का दे देगा आपको मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो साफ साफ रहता है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, नोटरी पेपर वो लिखा हुआ रहता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं। इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप घर से भाग गए थे, पकड़े जाते हो, तो उस मैरिज सर्टिफिकेट से आपको किसी प्रकार की, सिर्फ मैरिज वो सर्टिफिकेट दिखावे का होता है, उस पर कोई पावर नहीं होता, उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही लड़का बच सकता है पुलिस से या फिर कुछ भी, उसको कोई फायदा ही नहीं होगा, वो सिर्फ गांव में होता है दिखाने के लिए, वो इसको आप शॉर्टकट में कह सकते हैं हाथी का दांत है, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और, ऐसे कह सकते हो, ठीक है, बट उसका कोई पावर नहीं, अगर जो आप जाओगे थाना से सपोर्ट लेने नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये जान लीजिए, आप साफ साफ बता देते हैं। तो आप अगर जो सोच रहे हो कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट से मैरिज कर ले, एज कम है तो कर ले, तो भी कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर जो एज कम्प्लीट होता, अगर जो आप 21 होते तो आप मैरिज करते, बिल्कुल वैलिड है। प्लस एक बात और जान लीजिए कि अगर जो, जैसे कि मैं बिहार से था तो मैंने भी सोचा था, तो मेरे मैरिज में जो है, आपको बता देता हूँ, हर किसी को बता देता हूँ कि एक महीना लगेगा, अगर जो जेन्युइन मैरिज हो रहा तो एक महीने का आपको टाइम लगेगा, इसे एक से दो दिन में जो कर दे रहा है तो वो समझ लीजिए आपका नोटरी पेपर पे वहाँ साफ नहीं, साफ नहीं, बिहार में सिर्फ एक महीना लगता है, अगर हम लोग दिल्ली गाज़ियाबाद से करते हैं तो वहाँ एक दो घंटे में जो मैरिज होता है वो जेन्युइन होता है। हाँ, तो वही मैं भी बता रहा हूँ, वही मैं कवर कर रहा हूँ कि देखिए, अगर जो आपको आपके ज़िला से कर दे रहा है, जैसे मैं ही अपना ज़िला बताऊँगा ना, कि मैं नवादा ज़िला से अगर जो कर लेता तो कोई वैलिड नहीं था जी उसका, ठीक है, क्योंकि वो आपको पैसा के लालच में आकर के सेम डे में भी वो कर सकता है, लेकिन हाँ, जेन्युइन अगर जो वो मैरिज करेगा तो एक महीने का ही टाइम लेगा, ठीक है, उसमें होता है वेरिफिकेशन होता है मेरे भाई, तो एक महीने का टाइम लगेगा, अगर जो आपके गाँव से हो रहा है मैरिज तो एक महीने का अगर जो टाइम ले रहा है 20-25 दिन से ऊपर का, तभी समझ लीजिए आपका जेन्युइन मैरिज है, और जेन्युइन एज है तो, अगर जो जेन्युइन एज ही नहीं है तो भाई कितना ही टाइम ले या तुरंत करा दे, बिल्कुल वो फेक है, ठीक है। बट फिर भी चाहते हो क्या सेम डे में मैरिज हो सकता है क्या, तो सेम डे में भी मैरिज होता है, उसके लिए आपका एज बता ही दिए 18 और 21 का होना ज़रूरी है, जो कि आप और जैसे सेम डे में मैरिज सिर्फ 4 जगह पर होता है, हर जगह पर नहीं होता है वो। हाँ हाँ, जैसे मैं आपको उन जगहों का नाम बता देते, जैसे मैं पुणे है, मुंबई है, राजस्थान है,
दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नहीं है हाँ, मतलब गाजियाबाद दिल्ली में होगा, एक से दो दिन में हो जाएगा वहाँ भी मैरिज, ठीक है। दिल्ली में दो दिन होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ दो घंटे में हो जाता है चार जगहों पे। हाँ, तो यहाँ से आप आकर के कर सकते हैं मैरिज। तो उम्मीद करते हैं जो जो समझाना था कि बिना एज के कहीं नहीं होगा। भाई आपका एज जैसा कि आपने बता दिया बिल्कुल दिक्कत वाली बात है, इस एज में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, आप कह रहे हो आ बैल मुझे मार, ये समस्या वाली बात है, ठीक है। अगर जो चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका एज कम है फिर भी आप मैरिज कर लो, कोई दिक्कत ना हो, तो मैरिज नहीं करके आप लिव इन करा लीजिए। लिव इन बढ़िया, एक तरह से वो एग्रीमेंट है कि आप दोनों अपनी मर्जी से कानूनी रूप से दोनों बालिग हो और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो जी। अभी आपको शादी नहीं करना, बस आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना, तो उसे कहते हैं लिव इन, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, आप लोग रह सकते हो लिव इन में, ये बढ़िया है। अगर जो एज नहीं है तो लिव इन में रह लीजिए, इससे कानूनी सहायता आपको मिलेगी, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा मेरे भाई। आप लिव इन में नहीं भी रहते हो तो भी अगर जो लड़की कह देगी मुझे इसी के साथ रहना, और अगर जो लड़का रखने के लिए तैयार हो, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो जो समझाना था जी, जो समझ चुके हैं कि लिव इन बेस्ट ऑप्शन है। अगर जो आप 21 एज नहीं हुआ लड़का का और लड़की 18 प्लस है तो लिव इन करा लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सेम डे में मैरिज हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मैं जो है कराता हूँ, जैसे कि मन में आ रहा होगा राहुल भाई आप भी तो मैरिज कराते हो तो कहाँ से कराते हो, तो मैं जो कराता हूँ गाजियाबाद से मेरे भाई, ठीक है। अगर जो आपको गाजियाबाद से करना होगा एक से दो घंटे के अंदर अगर जो आपको मैरिज करनी है, सो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है राहुल जेकर 00, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर जो आपका एज कंप्लीट है तो आप बिल्कुल मैरिज आपका करा सकते हैं, या फिर लिव इन क्यों ना हो वो भी हम करवा देंगे, ठीक है। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। और किसी भी लव मैरिज कपल को कुछ भी जानकारी चाहिए होगा लव मैरिज से रिलेटेड, या फिर घर से कैसे भागे, क्या क्या हो, मतलब पहले सावधान करना चाहिए कि हम पुलिस के पकड़वे में नहीं आए, तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर। आप लोग प्लीज़ हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा ज़रूर, वहाँ पर लव मैरिज से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा, आपको ये जानकारी आपको कैसा लगा है। और प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियोज़ को व्यू कीजिए, देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से बहुत हमारा व्यू डाउन जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग हमारा हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आगे भी रहेगी, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और हम भी आपके फैमिली हैं, तो फैमिली को तो सपोर्ट करना बनता है। हाँ जी, जैसे आप लोगों की सहायता के लिए हम हर एक प्रकार के डाउट्स पे वीडियो बनाते हैं, जो आप लोग कमेंट करते हो उस बात को कवर करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप अपने छोटे भाई राहुल जेगर को बिल्कुल सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट हमारे पे चाहिए और हमारा सपोर्ट आप लोगों पे चाहिए, ठीक है। बहुत सारे भाई कमेंट कर देते भाई भाग करके कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, किधर जाएँ, क्या करें, तो भाई उस पॉइंट पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, पता है आप कहाँ भाग के जाओ, क्या करो, हर कुछ मैं समझा दिया हूँ। इसलिए आप मेरा प्लेलिस्ट ओपन कीजिए मेरे चैनल पर जाकर के, लव मैरिज के लिए कैसे भागें, ठीक है, उस प्लेलिस्ट का नाम है। ऐसे प्लेलिस्ट में बहुत सारे बनाया हूँ, बट उसका मैं बेसिकली आपको नाम बता दे रहा हूँ कि लव मैरिज करने के लिए घर से कैसे भागे, तो उस पर आप देख लीजिएगा, A to Z बता दिए क्या एज होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, मैरिज करना होगा उसकी जानकारी चाहिए होगा, तो उसका भी हमने एक अलग प्लेलिस्ट, उसका नाम है कोर्ट मैरिज, आप जाके देख सकते हैं। आर्य समाज कैसे होता है, कोर्ट मैरिज लाइव भी दिखाया हमने, कोर्ट मैरिज लाइव, आर्य समाज मंदिर की शादी भी, शादी भी होते हुए वीडियो दिखाया, हां जी दिखा दिया है, तो वो सब वीडियो को देखिए आपको संतावना के लिए कि हाँ ये होता है, ऐसा कैसे कैसे होता है मैरिज, वो दिखाएं, कपल लोग का इंटरव्यू का वीडियो डालें, प्लस Q&A भी चेक कीजिए, Q&A में भी बहुत सारे सवालों का मैं जवाब दिया हूँ, तो उन वीडियोस को चेक कीजिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, अगर जो अच्छा लगा लाइक करिए, और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो अपनी गर्लफ्रेंड से शेयर कर दीजिए इस जानकारी के लिए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो भाभी जी को भी बोल देना कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और मैं लड़कों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अगर लड़की से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तभी आप उसे भगा कर यहाँ लाना, वरना आप अगर आपको शरीर से लोभ है तो आप उसे प्लीज़ मत भगा के लाना। अगर आप उसकी ज़िंदगी भर साथ दे सकते हो तभी आप उसको लाना, क्योंकि वो एक जो डिसीज़न होता है घर छोड़ने का लड़कियों के लिए खासकर बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न होता है, और इस वक्त वो मतलब समझ नहीं पाती उस डिसीज़न को, और जल्दी जल्दी में वो डिसीज़न ले लेती है, और आगे जाकर उनके बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग घर से भागने से पहले, लड़का हो या फिर लड़की हो, एक बार नहीं कई बार विचार जरूर कीजिएगा कि हमें घर से भागना सही है या नहीं, या फिर हम देख लो प्लान बना लो सही हो या नहीं। हाँ जी भाई, तभी कोई डिसीजन लीजिए, मैच्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी लग रहा है शाम हो रहा है, अब सब सन्नाटा नजर आ रहा है, तो हम लोगों को भी अब घर निकलना चाहिए। बाकी मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा ये जानकारी।